तो आप लोगों को पिछले क्लास में क्या बताए थे, क्या पढ़ाए थे, रिप्रोडक्शन, जन्म के बारे में, जन्म से जुड़ा हुआ रिप्रोडक्शन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर बात किया गया था। और आज जो हम लोग देखेंगे, देखिए आपको जो मटेरियल दिया गया था, इस मटेरियल में यानी कि प्रागन भी पढ़ना है, पोलिनेशन। तो पोलिनेशन प्रागन जो होता है कितने तरह के होते हैं, दो प्रकार के प्रागन होते हैं, एक स्वपरागन और एक परपरागन, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन, दो प्रकार के परागण होते हैं। तो आपको बताया गया था, पोलिनेशन भी बताया गया था उस दिन की, पोलिनेशन जब फूल का नर भाग यानी कि पराग कोष से पराग कण निकल करके और फूल की मादा भाग पे गिरे, ठीक है, मादा भाग यानी वर्तिका अगर एस्टिग्मा पर पहुंचती है या गिरती है, उस क्रिया को हम लोग परागण कहते हैं। और परागण जो होता है कितने तरह के होते हैं, दो तरह के परागण होते हैं, एक स्वपरागण और एक परपरागण, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। तो देखिए सेल्फ पोलिनेशन, मान के चलिए एक पौधा है, एक पौधा एक प्लांट है, और इस प्लांट में क्या है, बहुत सारे फ्लावर है, फूल है, ये बहुत सारे कहा है, हई ससुराल ये सब कहा है, ये सब फूल बा, हई देखिए हई फूल है, हई फूल है, यो फूल है। और मान के चलिए कि इसमें भी नर भाग और मादा भाग दोनों होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो मान के चलिए इसमें जो एंथर है पराग कोष और उसमें जो पराग कण है, वह नर भाग से निकल के उसी फूल के मादा भाग पे गिरे, वर्तिकाग्र पर गिरे, चाहे इस फूल के इस फ्लावर के नर युग्मक पराग कण पोलन ग्रेन इसी पौधा के दूसरे फूल की मादा भाग स्टिग्मा पर वर्तिकाग्र पर गिरे, फिर भी क्या होगा, यानी स्वपरागण ही होगा, यानी परागण की क्रिया एक एक पौधा में होगी, एक एक पौधा में जब परागण का क्रिया होगा तो स्वपरागण सेल्फ पोलिनेशन, और जब अलग अलग पौधा में परागण का क्रिया हो, मान के चलिए एक ये पौधा है और एक यह पौधा है, और इसके इसमें भी बहुत सारे फूल फ्लावर होंगे, इसमें भी बहुत सारे फूल और फ्लावर होंगे, इसमें का जो ये पौधा है, इसमें जो फूल है फ्लावर है, उसमें का मेल गैमेट पोलन ग्रेन परागकण निकल करके इस पौधा के फूल के मादा भाग पे जाके पहुंचती है, वर्तिकाग्र पर स्टिग्मा पर गिरती है, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, पर परागण क्रॉस पोलिनेशन, यानी कि परागण की क्रिया जब अलग अलग पौधा में होता है तो क्या कहलाएगा, पर परागण क्रॉस पोलिनेशन, और जब एक ही में होगा तो क्या कहलाएगा, सेल्फ पोलिनेशन, जब एक ही पौधा में परागण की क्रिया होगा तो क्या कहलाएगा, सेल्फ पोलिनेशन यानी कि स्वपरागण। आइए हम समझाते हैं, देखिए मान के तो यह जो है क्या है, फ्लावर का बना दिए है, दो गो प्लांट है, हमको क्या समझना है, समझना है क्या था, क्रॉस पोलिनेशन, क्या समझना है, क्रॉस पोलिनेशन यानी कि पर परागण। तो परागण की क्रिया अलग अलग पौधा में होगा कि नहीं होगा, तो होगा, तो देखिए एक यह प्लांट है और एक यह प्लांट है, इसमें भी बीच में क्या है, स्त्री केसर है यानी पिस्टिल है, और सब में देखिए नर भाग और मादा भाग, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों में, एहो में ससुरी लड़कवा है, आए में लड़कियो है, लड़का वो है, लड़कियो है, लड़का वो है, लड़कियो, सब में नर भाग और मादा भाग दोनों है, यानी मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है फूल में फ्लावर में, है ना। तो अब देखिए, अब इसमें हम लोग को समझना है क्रॉस पोलिनेशन, पर परागण का क्रिया क्या होता है समझना है। तो समझ के चलिए, यह मान के चलिए यह क्या है, नर भाग है फूल का, इसको पराग कोष एंथर कहते हैं, क्या कहते हैं, एंथर, क्या कहते हैं, एंथर यानी कि पराग कोष, पराग कोष कहते हैं, क्या कहते हैं बुआ, पराग कोष, क्या है, पराग कोष एंथर है। अब क्रॉस पोलिनेशन, तो मान के चलिए कि यह क्या है पराग कोष, तो इस पराग कोष में क्या होगा, मेल गैमेट होगा यानी कि परागकण, अब यहां जाएगा फूल की मादा भाग पे जाएगा, ठीक है, फूल की मादा भाग पे जाएगा, तो कैसे जाएगा, इसके लिए कोई मीडियम चाहिए, ऐसे हाथ को थोड़े कि चल जाएगा। तो मान के चलिए कि यह इंसेक्ट है, यह क्या है, इंसेक्ट है यानी कि कीट है, इंसेक्ट यानी यह क्या है, कीट है, कीट के द्वारा जाएगा, इसको समझिए पोलिनेशन। मान के चलिए क्या, मान के चलिए कि यह क्या है, यह जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन जो पराग कोष में होता है, इसको समझना है, मान के चलिए कि यह जो पोलन ग्रेन है, ठीक है, यह कहां है, घर में बैठा है, यह क्या है, घर में बैठा है, घर में क्या है, मान के चलिए कि घर में साली बैठी हुई है, इसमें क्या है, यह घर में साली है, ये घर है, घर में क्या है, साली है, साली जी है घर में, और यहां से जीजा जी है बुलेट लेकर, देखिए बुलेट है, और इस साली को बैठा करके बुलेट पर ले जा रहे कहां, कहां ले जा रहे, तो सोनपुर मेला घुमाने। तो यहां जो है, तो एंथर जो है प्राग कोष,
यह क्या है? घर है। काहे घर है? एंथर जो है प्राकोष, यह घर है। और में कौन बैठी है? तो बेचारी साली बैठी है, मुंह लटकैले है, मेला घुमेला सनपुर वाला। तो यह जो है जीजा जी आते हैं, और जीजा जी आते हैं कैसी लेके, बुलेट लेके। इंसेक्टवा क्या है? बुलेट है। और इस साली जी को बैठा करके बुलेट पर और ले जाते हैं सोनपुर मेला में, और सोनपुर मेला में छोड़ देते हैं। छोड़ देते तो अपने गोलगप्पा गोलगप्पा खाई होगी। तो देखिए, यह समझना है पोलिनेशन को, हमको समझना है बेहतर तरीका से, ठीक है? ये कोई नेगेटिविटी मत सोचिएगा, यह समझाने का तरीका है कि मतलब आपको इजी वे में समझा सकूं अच्छा से, हंसाकर खिलाकर। तो यह क्या है, मतलब यह प्राकोष था, वह घर था, क्या घर है, और इसमें बैठी हुई है बेचारी साली जी, और साली को जीजा जी यहाँ बुलेट लेकर आप बुलेट पर बैठा करके ले गए सोनपुर मेला घुमाने, ठीक है? तो कहा गया है कि यह जो है, यह क्या है, प्राग कण जो प्राग कोष के अंदर होता है, और दूसरे पौधा में कैसे जाएगा? प्राग कण हाथ गोल है कि चला जाएगा उड़ करके, किसी के माध्यम से जाती है। क्रॉस पोलिनेशन जो होता है पर परागण, उसको माध्यम का जरूरत होता है। वह इंसेक्ट लेकर के जाएगा प्राग कण को, चाहे पक्षी बर्ड्स लेकर के जाएगा, या जानवर के द्वारा होगा, मतलब कोई माध्यम चाहिए, या वायु हवा के द्वारा, एयर के द्वारा होगा। तो क्रॉस पोलिनेशन में क्या चाहिए, मीडियम की जरूरत होती है, यानी माध्यम की जरूरत होती है पर परागण के लिए, क्रॉस पोलिनेशन के लिए। तो एक फूल अलग अलग फूल है, अलग अलग पौधा है, और जब अलग अलग पौधा में परागण का क्रिया होता है तो पर परागण क्रॉस पोलिनेशन कहलाता है। तो देखिए, इस पौधा का फूल का नर युग्मक दूसरे पौधा के मादा भाग पे जाके गिरा, यह क्या है, मादा भाग है फूल का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्टिग्मा। क्या कहते हैं? एस्टिग्मा के नाम से जानते हैं, यानी कि वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र है, क्या है? वर्तिकाग्र, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। यह क्या है? वर्तिकाग्र है, यानी कि एस्टिग्मा है। तो फूल का ये एंथर था, ठीक है? इस फूल के एंथर में से प्राग कण दूसरे फूल की मादा भाग पे गिरे, या हो सकता है कि इसी का ये एंथर है, इस फूल का एंथर है, प्राग कोष है, और इसमें का नर युग्मक आके दूसरे पौधा का मादा भाग पे गिरे, तो ये क्या कहलाता है, क्रॉस पोलिनेशन पर परागण। लेकिन पर परागण किसी के द्वारा होता है, माध्यम कीट के द्वारा, पक्षी के द्वारा, जानवर के द्वारा, पानी के द्वारा, वायु के द्वारा, माध्यम की जरूरत होता है। तो इसमें याद रखिएगा बेहतर तरीका से, और फिर हम कल की क्लास में आप लोगों को पोलिनेशन से जुड़ा हुआ और क्वेश्चन को हम डील करेंगे, ठीक है? तो फिर मिलते हैं अगला क्लास में।